मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को पता है कि हमारे देश का 1950 को संविधान लागू हुआ था और हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान माना जाता है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आज उन सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है, हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारी मदद की है। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान पल खेलकर हमारे देश को बचाया है। देखिए क्या क्या नहीं हुआ हमारे देश के साथ, ये तो हमने किताबों में पढ़ा हुआ है। सेनानियों को अपनी जान पर खेलकर देश को बचाना पड़ा, कई सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपनी जानें भी दी हैं, तो उन सेनानियों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं उन आर्मी ऑफिसर्स जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए आज भी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो ना सर्दी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना कोई मौसम गर्मी का देखते हैं, वो हर मौसम में हमारे लिए खड़े हुए हैं, उन सभी आर्मी ऑफिसर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है और आज भी करते आ रहे हैं। उन्हीं की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, नहीं तो अगर वो नहीं हो तो हमारे देश का पता नहीं क्या हो जाए। तो उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका धन्यवाद करना तो मतलब हमारे मुंह से करना हमारे बस में है ही नहीं, उनने तो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया है कि उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। हम राज्य की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो सब हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं, हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ करते हुए आ रहे हैं। उन सभी को मैं इस YT के माध्यम से उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इस वर्ष कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। मैं भी टीचर हूँ, मैं हर साल 26 जनवरी जब भी आती थी तो हम सबको बहुत ज़्यादा उत्साह रहता था कि 26 जनवरी को स्कूल जाएंगे। इस बार 15 अगस्त को भी स्कूल नहीं जा पाए, अब 26 जनवरी भी आ गई पर हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। बहुत याद आ रही है हमारे स्कूल की, हमारे स्कूल में बहुत प्रोग्राम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम सभी को उन प्रोग्राम में शामिल होने में, पर इस वर्ष कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको घर में बैठकर ही एक प्रार्थना सुनाना चाहती हूँ जो मैंने अपनी 5वीं क्लास में अपने स्कूल में गाई थी। तो ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसानी घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुखा सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, जो अमावश को कर दे पुनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले,
ताकि हंसते हुए निकले दम। जब जुल्म का हो सामना तब तुम ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे फिर बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम और मिटे गहरे का हर भरम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। गीत मैंने आज आपको सुनाया है ना, ये मैंने अपनी स्कूल में 5वीं क्लास में गाया था। जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने अपनी स्कूल में इस गीत को गाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गीत, और अब मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्कूल में बच्चों से सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मुझे और भी ये गीत हैं, मुझे बहुत पसंद हैं, पर मैं आपको सारे तो नहीं सुना सकती ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये गीत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने देश के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।